हिमाचल राज्य से आए सभी नवनिर्वाचित माननीय विधायकगण, मैं भारत की संसद में प्राइड की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप उस राज्य से आते हैं जो प्राकृतिक रूप से भी सुंदर है, संस्कृति के रूप में उसकी एक अलग पहचान है, झील, नदियां, बर्फ, पहाड़, इन सारे क्षेत्रों को मिलाकर ऐसा लगता है कि भारत का एक सबसे सुंदर राज्य हिमाचल, उस प्रदेश की जनता का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से विविधता वाला यह क्षेत्र लेकिन विविधता के अंदर भी हमारी संस्कृति, हमारा आध्यात्मिक, हमारी सामाजिक राजनीतिक रूप से भी इसकी अपनी एक अलग पहचान है। आप सबको जनता ने बहुत महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है, क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति के अनुसार कुछ इलाका पहाड़ी है, कुछ समतल है, छोटे छोटे गांव हैं, इसलिए उन सब की भावनाएं, उनकी समस्याएं, उनकी कठिनाइयां, उनकी अभिव्यक्ति करने का दायित्व आपको हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिया है। एक जनपति होते के नाते हमारा दायित्व बन जाता है कि समाज के अंतिम छोर की व्यक्ति की भी समस्या और कठिनाइयां हम विधानसभा के माध्यम से सरकार के ध्यान में लाएं। एक काम हमारा महत्वपूर्ण यह है कि हम जनसंवाद करें, चर्चा कर उनके अभाव कठिनाइयों को सदन के माध्यम से सरकार में लाएं और किस तरीके से उनके अभाव को दूर कर सकते हैं इसके लिए एक सार्थक प्रयास करें। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य आपका संपूर्ण राज्य की जनता के कल्याण के लिए, उनका हम आर्थिक सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाएं, उनकी रोजमर्रा की दिनचर्या में कानून बनाकर, रूल्स बनाकर एक पारदर्शिता पद्धति से उनकी समस्याओं का समाधान हो, यह भी आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि राज्य की सर्वोच्च संस्था विधानसभा होती है, इसलिए हमारा जितना अच्छा आचरण होगा, सदन में जितनी हम बेहतर चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, बेहतर निर्णय करेंगे, उतना ही वहां की लोकतांत्रिक संस्थाओं में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। मेरा मानना है कि क्योंकि आम जनता की रोजमर्रा की समस्याएं राज्य की रहती है, इसलिए राज्य विधानसभा
एक लोकतंत्र का वो मंच है जिससे हम जनता से बेहतर संवाद कर, सरकार से समन्वय कर और अपने नियम प्रक्रियाओं के तहत मुद्दों को उठाकर एक बेहतर समाधान जनता को की समस्याओं का कर सकते हैं। हमारे दल, हमारी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम सबका एक दायित्वता है प्रदेश की जनता का कल्याण करना, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए ऐसे मुद्दे जो संपूर्ण प्रदेश के लिए कल्याणकारी हैं, सभी हितधारकों के लिए आवश्यक हैं, उसके लिए समय समय पर कानून परिवर्तन करते समय हमें व्यापक चर्चा संवाद करना चाहिए। कानून बनाते समय विधायकों को जनता का फीडबैक भी लेना चाहिए, कानूनी विचार विमर्श भी एक्सपर्ट से करना चाहिए और फिर कानून बनते समय अपनी डिबेट चर्चा के अंदर जो कुछ भी अनुभव आपके हैं वो अनुभव आप सदन में रखेंगे तो कानून बेहतर बनेंगे, पारदर्शिता पूर्ण बनेंगे और जनता के लिए कल्याणकारी होंगे। भारत में लोकतंत्र बहुत प्राचीनतर लोकतंत्र है, इसलिए मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत की पहचान है। हमारे देश के अंदर क्योंकि प्राचीनतर लोकतंत्र होने के कारण हमारी विचारधारा, हमारी कार्यप्रणाली लोकतांत्रिक रूप से हम चलने वाले, चाहे गांव हो ढाणी के अंदर हमारा जनमानस, इसलिए आप देखते होंगे कि हमने इस लोकतंत्र के माध्यम से ही इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर देश में सामाजिक आर्थिक रूप से एक व्यापक रूप से एक सकारात्मक बदलाव लाए। आजादी के पहले भी भारत में लोकतंत्र था, गांव के अंदर लोकतांत्रिक परंपराएं थी, परपाटियां थी और गांव में जो कुछ निर्णय होते थे सब लोग मानते थे, लेकिन आजादी के बाद जब भारत ने संसदीय लोकतंत्र अपनाया तो दुनिया के कई देश ये मानते थे कि इतने बड़े देश के अंदर जहां की भौगोलिक स्थितियां अलग अलग हो, विचारधारा अलग अलग हो, संस्कृति अलग अलग हो, बोली अलग अलग हो, खान पान अलग हो, वहां किस तरीके से देश में संसदीय लोकतंत्र चल पाएगा, ये आशंकाएं दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में थी। लेकिन भारत में संविधान बना, उस समय हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, सबको मत अधिकार दिया गया, हमने लिंग के आधार पर मतों का विभाजन नहीं किया और उस समय जो दुनिया के अंदर अलग अलग पद्धतियां होने में हमने संसदीय लोकतंत्र पद्धति को अपनाया जो दुनिया के आज सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक पद्धति है। जहां जहां भी संसदीय लोकतंत्र है वहां पर शासन ठीक से चलाए, जनता की भावना के साथ कुछ अपवाद हो सकते हैं, इसलिए मेरा दो मानना है कि एक विधानसभा के सदस्य के रूप में आपको भारत के संविधान को जानना, भारत के संविधान में जो हमारी अनुसूचियां हैं उसके अंदर राज्यों के कानून बनाने के क्या क्या अधिकार दिए गए, राज्यों के क्या क्या अधिकार है उसको जानना, विधानसभा के नियम प्रक्रियाओं को समझना,
विधानसभा की पुरानी डिबेट, चर्चा, संवाद, उसका अध्ययन करना। जब कभी सरकार कोई कानून लाए तो उस कानून पर कब कब विधानसभा में क्या क्या चर्चा हुई या संसद में इस विषय पर क्या क्या चर्चा हुई, उसका रिसर्च पेपर तैयार करना। मेरा मानना है कि जितना बेहतर तरीके से हम सदन के पटल पर तर्कों से रखते हैं, उतने ही बेहतर जनप्रतिनिधि बनते हम। और ये विधानसभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप का व्यक्तित्व निकलता है, आपका संपूर्ण ज्ञान का, अनुभव का लाभ देश को मिलता है, सरकार को मिलता है, जनता को मिलता है। इसलिए जितनी देर आप सदन में बैठेंगे, जितनी देर तक बैठेंगे, उतना ही आपको अनुभव प्राप्त होगा। और एक विधानसभा के प्लेटफॉर्म पर आपको सारे राज्य के अलग अलग क्षेत्र की समस्याओं का भी ध्यान में आएगा, क्योंकि जब अलग अलग क्षेत्र से विधायक आते हैं तो अलग अलग मुद्दे उठाते हैं। और सरकार को भी जानने के लिए, सरकार को समझने के लिए, सरकार को पूरे प्रदेश की समस्याएं, अभावों को समझने के लिए विधानसभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहता है जिससे पूरे राज्य का विषय उनके ध्यान में आ जाता है। और चाहे सत्ता में हो चाहे प्रतिपक्ष में हो, जो बात विधानसभा में उठी है सरकार उसको सकारात्मक रूप से लेती है कि मुद्दा क्यों उठा, ये विषय क्यों उठा, ये समस्या क्यों उठी, और सकारात्मक काम करती है तो बदलाव आता है और उस बदलाव से जनता का कल्याण होता है। और मेरा मानना है कि हमारी विधानसभाएं भी और विशेष रूप से संसदीय समितियों में जो चर्चा होती है दल से ऊपर उठकर चर्चा होती है। इसलिए आप सबका प्रयास रहना चाहिए कि हम पूरे संविधान को जाने, संविधान में जो जो अनुसूचियां राज्यों के अधिकार हैं उसको जाने, विधानसभा के रूल रेगुलेशन को समझें, वहां की पुरानी डिबेट चर्चा को समझें, वहां की परंपरा परपाटियों को समझें, और किस तरीके से जो श्रेष्ठ विधायक रहे, जो विधानसभा से नेता बने, उनकी अनुभव को समझना, तो जितना आपको लाभ मिलेगा। और मेरा तो मानना रहता है कि जितनी विधानसभा आपको विषय उठाने का मौका मिले न मिले, लेकिन जितनी देर आप विधानसभा में बैठेंगे उतने ही आपके विषय ध्यान में आएंगे। तो आप उस समय जब चर्चा करते समय उन सारे विषयों को सकारात्मक रूप से सदन में रख सकते हैं। क्योंकि जनसंवाद, निरंतर जनता से संपर्क, ये तो अपने जीवन की आवश्यकता है, सभी माननीय विधायक करते हैं। हिमाचल प्रदेश पहला एक प्रदेश है जो पूर्ण रूप से डिजिटलीकरण है। जितनी मेरी जानकारी है कि पुरानी डिबेट, चर्चा, संवाद सब उन्होंने का पूरा डिजिटलकरण हो चुका है। इससे जो मुद्दे आते हैं उस मुद्दे पहले क्या विषय उठ रखे गए थे, किस विषय पर क्या क्या मुद्दे हुए थे, कौन क्या बोला था, ये सब चीजें आपको वहां से मिलेगी और उसका अनुभव का लाभ आपको अपनी चर्चा संवाद के करते हैं बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि ये चिंता का विषय है कि विधानसभाएं का सत्र कम दिन चल रहे हैं, ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। पर समय समय पर इस विषय पर हम चर्चा करते रहते हैं। हमारा मानना रहता है विधानसभा न व्यवधान होना चाहिए, न नियोजित तरीके से सदन स्थगितकरण की परंपरा होनी चाहिए। हर विषय पर डिबेट हो, सहमति असहमति, हम
हमारे लोकतंत्र की विशेषता रही है, जहां आवश्यकता होती है हम आलोचना करें, सकारात्मक आलोचना करें, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगाते समय हमें बिना तर्कों से आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए, इससे बचना चाहिए। ये हमारे लोकतंत्र के मंच आरोप प्रत्यारोप के लिए ही होते हैं, ये उनकी पॉलिसी पर, उनके कार्यकलापों पर आलोचना हमें करना चाहिए, आलोचना तीखी भी करना चाहिए। जितनी सदन के अंदर आप तीखी आलोचना करोगे, सकारात्मक सुझाव दोगे, सरकार अगर उसको सकारात्मक रूप से लेगी तो सरकार को भी अपनी कार्य योजना बनाने में बहुत बड़ा लाभ विधानसभा की डिबेट और चर्चा से मिलता है। इसलिए आप, क्योंकि मुझे याद है हिमाचल बहुत भौगोलिक स्थिति, छोटे छोटे गांव हैं, धानियां हैं, कुछ इलाके, ज्यादातर इलाके पहाड़ हैं, ये कठिनाई जरूर है, लेकिन अंतिम पहाड़ पर बैठे व्यक्ति को भी लगना चाहिए कि मेरा जनप्रतिनिधि मेरी भावनाओं को समझता है, मेरी कठिनाइयों को समझता है, मेरे अभावों को समझता है, और जो बात मैंने चुनकर भेजा है वो मेरी बात को सदन के पटल पर रखकर सरकार से सकारात्मक रूप से हल करने का प्रयास कर रहा है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही विश्वास भरोसा हमें जनता को दिला के रखना चाहिए कि जो आप अंतिम छोर पर बैठे और हमें चुनकर आपने भेजा है, हम आपकी आवाज हैं, आपकी भावनाओं को सदन में रखेंगे, इसका सकारात्मक रूप से प्रयास हमें करना चाहिए, इसके एक सकारात्मक परिणाम निश्चित रूप से आएंगे, और इसीलिए जनप्रति जनता चुनकर भेजती है। आप यहां पर आए, आपका दो दिन का यहां पर प्रशिक्षण शिविर होगा, यहां की लाइब्रेरी आप देखें, समय मिले तो यहां की डिबेटों का भी आप अध्ययन करें पुराना, और किस तरीके से सदन की उच्च परंपराएं रही हैं, परपाटियां रही है, उसी तरह की उच्च परंपराएं परपाटियां विधानसभा में भी रहे। आप यहां पधारे, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई।